न्यूज वर्ल्ड में खुशामदीद, मैं हूं वकास किश्वर। सबसे पहले वीकली हेडलाइंस। पाकिस्तान में ईरान के ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक अपने अपने सफीरों को वापस अपनी जिम्मेदारियों पर भिजवाने पर मुत्तफिक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफीर 26 जनवरी को दोबारा अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की दावत पर ईरान के वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच नहीं होगा। फीफा के मेयार के मुताबिक जिना स्टेडियम इस्लामाबाद तैयार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा ने मैच का मकाम फाइनल करने के लिए 21 जनवरी को डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान ने उर्दन के खिलाफ मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग की मेजबानी करना थी। न्यूट्रल मकाम के इंतजाम पर बात करने के लिए उर्दन फुटबॉल एसोसिएशन से रब्ता। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नतीजे, इलेक्शन की सबसे तेज़ सबसे बड़ी सबसे बेहतर सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। अमरीका में सर्द मौसम और बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 89 हो गई। खराब सूरत हाल के बाइस दोनों रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। बर्फानी तूफान के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों लोग बिजली से महरूम। सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 11 मार्च को होने का इम्कान। माहरीन फलकियात ने मुमकिन तारीख बता दी। हतमी तारीख का ऐलान मरकजी रूहत हिलाल कमेटी चांद नज़र आने के बाद करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, गजा में जुल्म सितम बंद करने से इनकार। हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 178 फलस्तीनी शहीद, 293 जख्मी। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 25,000 से बढ़ गई। इसराइल फलस्तीन जंग पर इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। मुजाहिरीन इसराइली पार्लिमानी कमेटी के इजलास में घुस गए, कहा कमरों में बैठकर इजलास किए जा रहे हैं, इनके प्यारे जंग में मर रहे हैं। ब्रसल्स में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा, गजा में जंग बंदी और इसराइल पर सिफारती और इक्तसादी पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा। रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाके डोनेस्टिक में यूक्रेन का फ़िज़ाई हमला, 25 अफराद हलाक 20 जख्मी हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस में कुदरती गैस की सबसे बड़ी कंपनी के टर्मिनल में आग लग गई। बिग बैश लीग में जोश ब्राउन ने तारीख रकम करते ब्रिस्बेन हिट की नुमाइंदगी करते हुए 140 रन के रिकॉर्ड इनिंग्स खेली, 12 छक्के और 10 चौके लगाए। दुबई में हर तरफ हरियाली छा गई। दुबई की इंतजामिया ने एक साल में 1,85,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। पार्कों के अलावा 210 मकामात पर पौधे और दरख्त लगाए गए। मक्का मुकरमा में मिट्टी से बना मुनफरिद म्यूजियम, म्यूजियम को कदीम तर्ज की इमारतों के डिज़ाइन पर बनाया गया। कदीम ज़माने की अशिया और पुराने रहन सहन का माहौल तवज्जो का मरकज। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल गुज़श्ता साल की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्शन फिल्म बन गई। अमरीकी वेबसाइट पर सानवी ने 2023 की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म करार दिया। हमास का इसराइल पर बड़ा वार, खान यूनस में झड़पों में दौरान 24 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फोर्सेस ने गजा के अस्पतालों पर हमले मजीद तेज कर दिए। 24 घंटों में मजीद 190 फलस्तीनी शहीद, शहादा की तादाद 25,000 से ज़ायद। इसराइली फोर्सेस का अल नसर और अल अमर अस्पताल का मुहासरा, एम्बुलेंसेज को मुतासर इलाकों में जाने से रोक दिया। इसराइल के तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में 2 माह की जंगबंदी की तजवीज़। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ हमास की कतरी और मिस्री सालिसों के जरिए की गई। अमरीका और बरतानिया में यमन में गौसियों के ठिकानों पर हमले, अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों में 10 के करीब मकामात को निशाना बनाया गया। अब तक गौसियों पर 8 हमले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में हर 100 अफराद में से 30 शुगर के मरीज। पाकिस्तान ज़ियाबतीस की बीमारी में दुनिया भर में पहले नंबर पर, कुवैत का दूसरा और मिस्र का तीसरा नंबर। अमरीकी शहर शिकागो में फायरिंग से 7 अफराद हलाक, तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने हमला आवर की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी रियासत इंडियाना में शहर में आग लगने से 5 बच्चे दम तोड़ गए। चीन में लैंड स्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मलबे से 500 अफराद को निकाल लिया गया, 1,000 कारकुन इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अमरीका के खिलाड़ी को शिकस्त दी।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब से तबाही, दरियाओं में तुग्यानी के बाईस नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, सैलाबी रेलें गाड़ियां भी बहाले गए, सैलाब से आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लग्जरी बहरी जहाज़ों के बाद लग्जरी आबदोज, ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने लग्जरी आबदोज का डिज़ाइन तैयार कर लिया, पुरताइश कमरे, स्विमिंग पूल और सैनिमा आबदोज का हिस्सा, समंदर की गहराई और आबी खयात का नज़ारा करने की भी सहूलत। गिलगित बल्तिस्तान में वादी खजर की मुंजमद झील पर विंटर फेस्टिवल, आइस हॉकी, स्केटिंग समेत दीगर मुकाबले, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमें भी शरीक। कश्ती के नीचे मछलियों की दुनिया, बोतल से झांकती नन्ही मछली, समंदर में सिपियों की तलाश, तस्वीर के ऑनलाइन मुकाबलों में एक से बढ़कर एक तस्वीर, 150 ममालिक के फोटोग्राफर्स ने 20,000 से ज़ायद तस्वीर भेजी। पाकिस्तान की मैशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया, पाकिस्तान को मज़ीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की ज़रूरत है। आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिच ने एशियाई ममालिक की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ मज़ीद वाज़ेह होंगी, IMF प्रोग्राम में रहने से पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर हो सकती है। गजा में इसराइल के हमलों में तेजी, इसराइली फोर्सेज ने जबालिया कैंप में 2 घरों पर बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद, खान यूनस में भी बमबारी, 40 के करीब अफराद शहीद, गजा में शहादा की तादाद 25,000 से बढ़ गई। बरतानिया में तूफान इशा के बाद तूफान जसलेन की तबाह कारियाँ, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, तेज़ हवाओं से दरख्त और पोल उखड़ गए, परवाज़ों ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर, मुतासर इलाकों में वार्निंग जारी। रूस का फौजी तैयारा गिरकर तबाह, मुतअद्दिद अफराद हलाक, हादसा यूक्रेन की सरहद के करीब पेश आया, कैनेडा में तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक, तैयारा कान में काम करने वाले मजदूरों को लेकर जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी जहाज़ गिरकर तबाह, पायलट हलाक। पहले शादी करें फिर मुलाजमत, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ख्वातीन को मुलाजमत की मशरूत इजाज़त दे दी, तालिबान की नई शरायत के मुताबिक मुलाजमत की ख्वाहिशमंद ख्वातीन को पहले शादी करना होगी। एशियन फुटबॉल कप में भारत को शाम के हाथों 1-0 से शिकस्त, शाम की टीम ने पहली मरतबा अगले मरहले में क्वालिफाई कर लिया, फलस्तीन ने हांगकॉन्ग को 3-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो तारीख के 5वें सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी, रोनाल्डो की आमदन 4.5 खरब रुपये के करीब, मेसी का 7वां नंबर, कमाई 4 खरब रुपये है। वेस्पा पर बारात, रावलपिंडी के नौजवान का अनोखा कारनामा, असद खान बड़ी गाड़ी पर बारात लाने के बजाय वेस्पा पर दुल्हनिया ले आए। नामवर लोक गुलकार उस्ताद मोहम्मद जुमन को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए, उस्ताद जुमन ने सैकड़ों गीत गाए। पेरिस फैशन वीक में मॉडल्स के जलवे, खिजा और सरमा के लिए मलबूसात की कलेक्शन पेश, अकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियाँ फाइनल, बारबी, मास्टर और ओपन हाइमर समेत 10 फिल्में बेहतरीन फिल्म के लिए नामजद। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोला गया, गॉल्फ न्यूज़ के मुताबिक गैर मुस्लिमों को इस शराब खाने को इस्तेमाल करने के लिए ख़ुद को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराना होगा। गजा में इसराइली मुजाहले में कमी ना आ सके, इसराइली फोर्सेस का खान यूनिस में अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी पनागुज़ीन कैंप पर टैम्पो से हमला, 9 फलस्तीनी शहीद, गजा में शहादा की तादाद 25,700 हो गई। इसराइल ने खान यूनिस के अल अमल अस्पताल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान में हादसा, 70 से ज्यादा कानकुन हलाक हो गए, हादसे के वक्त सोने की कान में 200 से ज्यादा कानकुन मौजूद थे। चीन के सूबे जियांगखी में दुकानों में आग लगने से 39 अफराद हलाक, 9 जख्मी, हुकाम के मुताबिक आग दुकानों के जेरे जमीन इंटरनेट कैफे में लगी, आग ने करीबी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। रियाल मैड्रिड 2023 का कामयाब तरीन क्लब, एक साल में $900 मिलियन का बिजनेस किया, पाकिस्तानी रुपयों में 3 खरब रुपये के करीब कमाए। माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू भी $3 खरब से जायद होगी, पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 600 खरब रुपये के करीब बनती है, दुनिया में सिर्फ एप्पल की कदर माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा। ऑस्कर में कौन जीतेगा बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड, मिशन इम्पॉसिबल और गॉड्स ऑफ द गैलेक्सी समेत 5 फिल्मों में मुकाबला। वीकली राउंडअप से फिल्म वक्त इतना ही, आप देखते रहिए हम न्यूज वर्ल्ड। वर्ल्ड में खुश आमदीद, मैं हूं वकास किश्वर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वीकली राउंडअप का आगाज सबसे पहले इस खबर से के
मुत्तहिदा अरब अमीरात में रहने वाला हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफीर है। पाकिस्तान के वकार का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम की दावत पर पीजीएफ पाकिस्तान एसोसिएशन में पीएडी दुबई काउंसिल जनरल हुसैन मोहम्मद और प्रेस काउंसिल मोहम्मद साले की गेस्ट इन टाउन में आमद। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम की दावत पर पीजीएफ काउंसिलर जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई के काउंसिलर जनरल हुसैन मोहम्मद और प्रेस काउंसिलर मोहम्मद साले ने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में सहाफियों पीएडी से मुलाकात की। गेस्ट इन टाउन में मुलाकात के तमाम पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम ने किया, जिसमें ताहिर मुनीर, ताहिर सादिया बासे, मुजफ्फर रिजवी, जमुर्द बुनेरी, हाफिज जायद अली, काशान तमसील, हाशमी मोहम्मद, अरशद अंजुम, अमजद कासमी, राजा मोहम्मद नसीर, मोहम्मद आरिफ शाहिद, अनायतुर रहमान, एजाज गोंदल इरफान, बहादुर तौकीर अहमद, वहीद अब्बास और डॉक्टर मोहम्मद असीम साबिर मेडिकल डायरेक्टर पाकिस्तान मेडिकल सेंटर ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसलर जनरल हुसैन मोहम्मद ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं पढ़े लिखे बासलाहियत और हकीकी सहाफ़ियों ने पीजेएफ दरमियान में हूँ। आज मुझे यूएई के तजुर्बाकार मायानास सीनियर और मंझे हुए सहाफ़ियों से बानफसो नफीस मुलाकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुलाकात का मौका फराहम का शुक्रिया अदा किया। काउंसिल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में रहने वाला हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफीर है और हम सबको कौमी फलाह के लिए अपने मुश्तरका मकासद के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करना मिशन का बुनियादी मकसद है, जिससे हम बतरीक एहसन पूरा तरीके से अदा कर रहे हैं। जबकि काउंसलर पाकिस्तानी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। काउंसलर जनरल हुसैन मोहम्मद ने इस बात पर जोर दिया कि ये हम में से एक की जिम्मेदारी है कि हम अपने तर्ज अमल के जरिए अपने मादर वतन की मुस्बत तस्वीर पेश करें। जबकि मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। काउंसलर जनरल ने मजीद कहा कि काउंसलर सहाफ़ियों के तआवुन से अमीरात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करेगी। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास के मसाइल के हल के लिए काउंसलर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। प्रेस काउंसलर मोहम्मद साले की तरफ से पीजीएफ खुशामदीद कहने का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो प्रेस ऑफिस और सहाफ़ियों के दरमियान राब्ते को मजीद मजबूत करेंगे, ताहम मिलजुल कर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया जा सके। मुलाकात के दौरान गेस्ट इन टाउन में सहाफ़ियों ने काउंसलर जनरल से मुख्तलिफ मौजूआत पर खुलकर बात की और मसाइल के हल के लिए अपनी तजावीज़ भी दी। पाकिस्तान मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नसीम साबिर ने काउंसलर की टीम को पीएमसी का दौरा करवाया और मुख्तलिफ शोबे दिखाए। पीएमसी में फलाही बुनियादों पर मुस्तहिक मरीजों को दी जाने वाली सहूलत और खिदमात के बारे में तफसील से बताया। इस मौके पर काउंसलर जनरल हुसैन मोहम्मद ने पीएमसी में रजाकाराना खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टरों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की बेलोस खिदमत और लगन को सराहा। अमरीका में सफीर पाकिस्तान मसूद खान की रैंकिंग मेंबर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ग्रेगरी मैक से मुलाकात। ग्रेगरी मैक सियासतदान और मजबूत पाक अमरीका तालुकात के हामी हैं। सफीर पाकिस्तान का ट्वीट, मुआशी और दिफाई तालुकात के साथ साथ इलाकाई और बैन अवी मामलों पर बातचीत। गजा में इसराइली हमलों का 122वां रोज़, गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमू तादाद 27,238 हो गई। हमलों में 67,452 फलस्तीन जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा के अस्पतालों पर हमले जारी हैं। यूरोपीय अस्पताल के फ्यूल रिजोर्स को तबाह कर दिया। अस्पताल में फ्यूल की कमी के बायस तिबी अमले की दुश्वारी का सामना है। रफा के स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 92 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनस में फलस्तीनी खलाले अहमर के दफ्तर पर हमले में मुतअद्दिद बेघर अफराद जख्मी हो गए। दीर अलबला की रिहायशी इमारत पर हमले में 28 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फोर्सेस के मगरबी किनारे पर भी हमले जारी है। मगरबी किनारे पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 382 से तजावज़ कर गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आइंदा रोज़ होगा। कोलंबिया के एयरपोर्ट पर खातून के बैग से 3,60,00,000 रुपये मालियस के 130 जहरीले मेंढक बरामद कर लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक मार्केट में एक मेंढक की कीमत तकरीबन $1,000 है। कोलंबियन पुलिस ने खातून को जंगली हयात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की जाने वाली खातून ब्राज़ीलियन शहरी हैं। खातून का कहना है कि मेंढक ने जनूबी कोलंबिया की एक मकामी बरादरी की जानिब से तोहफा के तौर पर दिए गए स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित होने पर खातून को $14,300 जुर्माना हो सकता है। निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज की मुत्तहिदा अरब अमीरात के हम मनसब सानी बिन अहमद अल जुज़ैदी के साथ मुलाकात। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल और तजारत के जरिए दोनों ममालिक के तालुकात मजीद मजबूत करने पर बातचीत की गई। मरीब मुलाकात के दौरान
अमराती वजीर मलिका कोहसान की खूबसूरती से भी खूब मुतासर हुए। भारत में इंतहाबात से कबल मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसी पर अमल जारी है। नई दिल्ली में 600 साल तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मकामी तरक्याती इदारे के मुताबिक 600 साल पुरानी अखुवन जी मस्जिद और मदरसा बहरुल अलूम को तजावजात करार देकर मस्मार किया गया। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रस्मी नोटिस तक नहीं दिया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद और मदरसे के अहाते में मौजूद कब्रें भी मस्मार कर दी। बर आज़म अंटार्कटिका में मौसमियाती तब्दीली का जायजा लेने ड्रोन तैयारा तैयार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों और इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम ड्रोन के जरिए मरहलावार तहकीक करेगी। पहले मरहले में पिघलते ग्लेशियर्स का जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ड्रोन में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के बाद दूर दराज इलाकों में जाना भी मुमकिन होगा। ड्रोन 1000 किलोमीटर तक 100 किलोग्राम कार्गो ले जा सकता है। पहला तैयारा आइंदा चंद रोज में पहले सफर पर रवाना होगा। पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार ऑल राउंडर परफॉर्मेंस। हारून अरशद और शमाइल हुसैन ने दो मुश्किल कैच तांबर सेमीफाइनल रसाई के लिए राहमवार की। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। गजा में इसराइली जारहीत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। लंदन में 20,000 से ज्यादा अफराद ने फलस्तीन के हक में रैली निकाली। रैली के शुरका ने आज़ाद फलस्तीन और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन को आम इंतहाबाती रियासत मिशिगन के दौरे के दौरान गजा में इसराइल के इकदाम की हिमायत पर एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुजाहरीन ने फलस्तीनी परचम थामे, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और बाइडन की वापसी के नारे बुलंद किए। अमरीका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज किया। नॉर्वे में भी शहरियों की बड़ी तादाद फलस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आई। चिली के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। मुख्तलिफ वाकयात में 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। इंतजामिया ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। चिली के सदर के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। 6 अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना है। मुल्क के बाद में मुख्तलिफ मकाम आग की लपेट में है, जबकि आग के बायस 1,00,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जल कर राख हो गए। इंतजामिया ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। भारत में कैदियों को अदालत ले जाने वाली पुलिस वैन में फ्यूल खत्म होने पर कैदियों ने वैन को धक्का लगाकर अदालत पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत बिहार में कैदियों को समाअत के लिए मुकामी अदालत ले जाया जा रहा था कि रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया। 4 कैदियों ने 500 मीटर तक वैन को धक्का लगाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कैदियों को मुनशियात के इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हांगकांग में इंटर मियामी के मैच से कबल मेसी मीनिया का जादू बरकरार है। ट्रेनिंग के दौरान योलन मेसी को देखने के लिए हजारों की तादाद में फुटबॉल शायकीन स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। शायकीन अर्जेंटाइन और इंटर मियामी की शर्ट्स पहन रखी थी। पुलिस ने हांगकांग स्टेडियम के इर्द गिर्द सड़कों को बंद कर दिया। वीकली राउंडअप से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।